रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप में बिहार की टीम अपना दूसरा मुकाबला 12 जनवरी से पटना के माइनुल हक स्टेडियम में खेलने वाली है। इसके लिए छत्तीसगढ़ की टीम मंगलवार की देर शाम पटना पहुंच चुकी थी। बुधवार और गुरुवार को प्रैक्टिस करने के साथ ही अब शुक्रवार को छत्तीसगढ़ और बिहार की टीम आमने सामने होगी। दोनों ही टीमें एलीट ग्रुप बी का हिस्सा है और ऐसे में दोनों टीमों का मुकाबला कांटे के टक्कर का होने वाला है। आपको बता दें कि रणजी ट्रॉफी इतिहास में छत्तीसगढ़ बिहार पहली बार आमने सामने खेलने वाली है। एक तरफ छत्तीसगढ़ ने अपने पहले मैच में असम को 10 विकेट से हराया था, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार की टीम मुंबई के हाथों पारी और 51 रनों से हार गई थी। ऐसे में छत्तीसगढ़ बिहार के सामने अपना जीत का सिलसिला जारी रखना चाहेगी, तो दूसरी तरफ बिहार की टीम इस टूर्नामेंट में पहले जीत का स्वाद चखना चाहेगी। छत्तीसगढ़ टीम की कमान अमनदीप खरे के हाथ में है। अमनदीप पहली बार छत्तीसगढ़ के लिए कप्तानी कर रहे हैं। वहीं उनकी टीम में कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आईपीएल का हिस्सा हैं। टीम के खिलाड़ी शशांक सिंह 2024 के आईपीएल का हिस्सा हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के कप्तान अमनदीप भारतीय अंडर 19 का भी हिस्सा रहे हैं। टूर्नामेंट में जीत के साथ शुरुआत करने वाली छत्तीसगढ़ की टीम को हराना बिहार के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि बिहार अपने ही होम ग्राउंड पर पहला मैच हार चुकी है, तो बिहार किसी भी कीमत में दूसरे मैच में जीत का स्वाद चखना चाहेगी। एक बार फिर से पूरे बिहार की नजर बिहार के युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर होगी। मुंबई के खिलाफ मैच में डेब्यू कर वैभव सूर्यवंशी चर्चा में आए थे। हालांकि वैभव ने इस मैच में कोई कमाल नहीं दिखाया। इसके अलावा टीम के ऑलराउंडर खिलाड़ी शकीबुल घनी, विकेट कीपर बल्लेबाज विपिन सौरभ पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी। ऐसे में देखना होगा कि क्या कुछ 12 जनवरी को देखने को मिलेगा। मुंबई से हार के बाद छत्तीसगढ़ के साथ मुकाबले में बिहार कितना कमाल कर पाती है। पटना से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।